हूँ बीमल उमराव और आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कुटकी जूं किलनी की जो दवाएं होती हैं कौन सी दवा यूज करोगे। क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है, बहुत सारे भाइयों के प्रॉब्लम आ रही है कि सर्दियों के मौसम में सर जी कौन सी दवा यूज करें, कुटकी जूं चीचड़ हो गए हैं बकरियों को। एक चीज और, बहुत सारे भाई जो है जूं चीचड़ कुटकी को समझते नहीं है कि हमारी बकरियों को हो गए हैं कि नहीं, और इस तरह की बकरियां कमजोर होती चली जाती है। तो ये चीज भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किन बकरियों में जूं कुटकी हो गए हैं, वो सिर्फ आप दूर से देख कर बता दोगे कि इस बकरी को जो है एक्सटर्नल पैरासाइट हो चुके हैं। तो वाह परजीवी को मारने के लिए कौन सी दवा यूज करेंगे सर्दियों के मौसम में। तो आज मैं आपको दो दवाएं बताने वाला हूं। फर्स्ट जो दवा मैं ले रहा हूं वो दवा है पोरोन, फ्लूमेथ्रिन साल्ट की दवा है पोरोन। यदि इस साल्ट की दवा, पोरोन ब्रांड नेम है, यदि पोरोन नाम की दवा नहीं मिलती है तो फ्लूमेथ्रिन आप देख लीजिएगा, कोई भी दवा मिल जाए वो लेके आनी है। यूज कितनी करनी है बकरियों में, ये आपको यूज करनी है 10 kg पे 1 ml। अब इसको यूज कैसे करेंगे, देखिए आप इस तरह की ये दवा निकलेगी, इसमें ऊपर कैप लगा हुआ है, कैप को आपको ढीला कर लेना है, बहुत अधिक ढीला नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं पूरा कैप खोल देते हैं और जब दवा लगाते हैं तो सारी दवा एक ही जगह पे गिर जाती है। समस्या क्या होती है, बकरी की स्किन जो है जल जाती है। आपको थोड़ा हल्का सा इस कैप को ढीला करना है। ढीला करने के बाद बकरी के रीढ़ की हड्डी में एक जगह, दो जगह, तीन जगह करके 7-8 जगह 7-8 बूंद इस तरह से डाल देना है। आपकी जो बकरी के जूं चीचड़ हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये दवा जो है वो स्किन में अवशोषित होती है और अवशोषित होने की वजह से इन जो जो भी पैरासाइट हैं इनमें लकवा मार जाता है और जो भी पैरासाइट हैं ये मर जाते हैं। तो दवा कौन सी यूज करोगे सर्दियों के मौसम में, पोरोन। दूसरी दवा मैं आपको दिखा देता हूँ, तो दोस्तों दूसरी दवा जो है वो है बूटाक्स, डेल्टा मेथ्रिन साल्ट है इसमें। तो आपको दवा यूज करनी है बूटाक्स। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है, इसको आपको पानी में घोलना है 1 लीटर पानी में। अब घोलने का तरीका क्या है, क्योंकि इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि 1 लीटर पानी में कितना घोलेंगे। कुटकी के लिए अलग इसका सॉल्यूशन बनता है, जुएं के लिए अलग बनता है, और जो पिस्सू वगैरह होते हैं इनके लिए अलग बनता है, मक्खियों के लिए अलग बनता है। तो कितना कहाँ पे यूज करेंगे, यदि आपकी बकरियों में किलनी हो गई है तो आप ये 1 लीटर पानी में 200 से 3 ml दवा यूज करनी है। यदि आपकी बकरियों में जू और पिस्सू हो गए हैं तो आपको ये 1 से 1.5 ml 1 लीटर पानी में यूज करना है। यदि आपकी बकरियों में कुटकी की समस्या हो गई है, कुटकी आप लोग जानते होंगे उछलती है कूदती है, बड़ी तेज भगती है और सबसे ज़्यादा खतरनाक वही होती है, बकरियों को सबसे ज़्यादा खून पीती है, बकरी कमज़ोर होती चली जाती है। तो उसके लिए दवा जो यूज होगी वो यूज होगी 4 से 6 ml, मतलब ये 5 ml की बूटाक्स की शीशी है। और यदि हमारी बकरियों को कुटकी हो गई तो ये पूरा 5 ml 1 लीटर में डालना होगा। इसी तरह से यदि मक्खियाँ लगती हैं तो ये दवा यूज होगी 2 से 3 ml, इतना आपको इस दवा को यूज करना है। अब चूंकि सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों के मौसम में बकरियों में लगाओगे कैसे, क्योंकि बकरियों को नहला नहीं सकते हो, आपको 1 लीटर पानी में इसको घोलना है। घोलने के बाद बकरियों को सिर्फ कपड़े से उससे पोंछ देना है, बहुत अधिक गीला नहीं करना है। इसके बाद आधा घंटा के लिए आप बकरियों को छोड़ देंगे, धूप में आपको ये चीज़ यूज करनी है। आपने बकरियों को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद आपको फिर पानी, जब दवा सूख जाएगी इसके बाद पानी लेना है, पानी में कपड़ा भिगोना है, भिगोने के बाद बकरियों को पोंछ देना है। बस आपको इतना काम करना है, बकरियों को नहलाना नहीं है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत बेहतरीन जानकारी दी है, जूं चीचड़ और ट्रिक्स वगैरह जितने भी हैं सारे आपके बाड़े से ख़त्म हो जाएंगे जब आप ये बूटाक्स का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सारी बकरियों को पहुँचने के बाद जो भी पानी बचेगा वो आप बाड़े में छिड़काव कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए पानी नहीं बचता है तो आपको यदि बाड़े के जू चीचड़ खत्म करने, क्योंकि बाड़े के भी जू चीचड़ खत्म होने चाहिए, इसी यदि जो बाड़े के जू चीचड़ नहीं खत्म होते हैं तो फिर बकरियों के द्वारा बहुत जल्दी जू चीचड़ हो जाते हैं। तो आपको बाड़े में छिड़काव के लिए भी दवा यूज कर सकते हैं बूटाक्स, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन आप कितना बनाएंगे, तो आपको 1 लीटर पानी में ये 20 ml
यदि आप बाड़े में छिड़काव कर रहे हो तो 1 लीटर पानी में 20 ml ये लगेगी। यदि उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 5 लीटर में आपको 100 ml ये दवा डाल के पूरे बाड़े में अच्छी तरह से छिड़काव कर देना, जितने भी जू चीचड़ हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। अब आप पता कैसे करेंगे कि बकरियों के जू चीचड़ हो चुके हैं? तो जो बकरी बहुत अधिक खुजली करती है या उसके बालों पर देखेंगे तो दांत के निशान दिखते हैं, खुजाए हुए बाल दिखते हैं, अलग अलग जगह के उस जगह के बाल हट जाते हैं या बकरियों के बहुत अधिक बाल झड़ जाते हैं, इस स्थिति में जहां पर खुजाया हुआ दिखता है वहां पे बाल हटा के देखेंगे तो जू चीचड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैंने देखो बूटाक्स दवा ओपन कर ली है और अब मैं इसको घोलने वाला हूँ। पानी जो हमने लिया है लगभग 2 लीटर है और ये 5 ml जो है मैं इसमें दवा घोलने वाला हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप सॉल्यूशन बनाकर सारी बकरियों को अच्छी तरह से पोंछ देना है और जब ये सॉल्यूशन सूख जाएगा, जो ये बकरियों के जो बाल गीले हो जाएंगे ये जब सूख जाते हैं तो एक आपको अच्छे पानी से एक साफ कपड़े से एक बार बकरियों को दोबारा पोंछ देना है। सारा दिन जो है धूप में बंधी रहने देना है। ये पूरी तरह से जब सूख जाएगा तो आपकी बकरी के जो जू चीचड़ है इनमें पैरालाइज होता है, जो ये डेल्टा मेथ्रीन है ये जू चीचड़ को पैरालाइज करता है। तो धीरे धीरे सारे जो जू चीचड़ हैं ये पैरालाइज होकर बकरियों की स्किन से गिर जाएंगे, मर जाएंगे और आपकी बकरियाँ जो है वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, इससे आपको लाभ होता है, वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।